हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल एंजॉय चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6 द बनियन ट्री। क्या आप लोगों ने कभी नेवला देखा है? नेवला इज कॉल्ड मंगूज इन इंग्लिश। आज हम लोग इस चैप्टर में एक मंगूज की और स्नेक की फाइट के बारे में पढ़ेंगे कि एक नेवला जब एक सांप के साथ लड़ाई करता है तो उसका क्या एंड होता है, उस लड़ाई का क्या एंड होता है। ये हम इस प्रकार की स्टोरी, ये जो चैप्टर है द बनियन ट्री, उसमें पढ़ेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। सो जब कभी भी एक कोबरा की और मंगूस की फ़ाइट होती है तो उनके बीच जो फाइट है वो देखते ही बनती है। बहुत मज़ा आता है उनकी फ़ाइट को देखने के लिए। वैसे दोनों ही बहुत एक्टिव होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन जो मंगूस होता है, जो नेवला होता है, वो सांप के जो विषैले फन है उनसे बच जाता है और कभी भी सांप नेवले को नहीं मार पाता। हमेशा एंड में जो लड़ाई होती है उसमें नेवले की जीत होती है। कोबरा अपनी पोजीशन लेता है और नेवले पे अटैक करता है, पर नेवला जो है ये बहुत क्विक है और एकदम से नेवले की पहुंच से ये बच जाता है और जो सांप है फिर वो दूसरी तरफ से आने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि सांप इस पोजीशन में आए कि वो नेवला को काटेगा, नेवला इतना क्विक, इतना फास्ट होता है, एकदम से सांप की गर्दन में आता है। जो सांप है वो डिस्करेज हो जाता है और फाइनली जो मंगूस है वो जीत जाता है और अपने दांतों से स्नेक की गर्दन में अटैक करता है और इस तरीके से अंत में जो जीत होती है वो नेवले की होती है। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। कहता है, जो मेरा घर है, तो जो मेरा घर है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, मेरे दादा दादी का घर है और इसमें एक बहुत शानदार बनियन ट्री है इसमें। और ये जो बनियन ट्री है ये मेरे दादा का होता था, लेकिन अब मेरे दादा की जो उम्र है वो 65 साल की हो चुकी हैं और इसीलिए अब मेरे दादा जिस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। तो अब ये पेड़ किसका है? अब ये पेड़ मेरा हो गया, क्योंकि अब मैं आराम से मज़े से इस पेड़ में खेल सकता हूँ। जो ये पेड़ हैं इसकी टहनियाँ फैली हुई हैं और ज़मीन तक भी टच हो रही हैं और जो इसके रूट हैं वो मेरे लिए रास्ता बनाते हैं। उस रूट के माध्यम से मैं पेड़ से नीचे आता हूँ और पेड़ में चढ़ता हूँ तो मेरे को आनंद आता है। मुझे ऐसा प्लेजर मिलता है जो एंडलेस है, मेरे प्लेजर की, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। और वहाँ पर काफ़ी सारी गिलहरियाँ हैं, स्नेल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। और जो ये पेड़ है ये हमारे घर से भी बहुत पुराना है, मेरे दादाजी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। ये पेड़ इतना पुराना है जितना पुराने के देहरादून शहर हो। मैं अपने आप को आसानी से इस पेड़ की टहनियों में छुपा सकता हूँ और इस पेड़ के पीछे जो पेड़ हैं इसमें काफ़ी सारे पत्ते हैं और कोई भी आसानी से इसमें छिप सकता है और आसपास की दुनिया से अपने आप को बचा सकता है और आराम से छिप सकता है। अब जो यहाँ पे वर्ड है स्पाई का मतलब होता है चुपके से जासूसी करना। अब जो मेरे पहली मित्र हैं वो है ग्रे कलर की गिलहरी। जो कि गिलहरी हैं वो आसपास यहाँ पर घूमती रहती हैं और हम उसकी सूंघती रहती हैं, आसपास एरियाज को सूंघती हैं, आसपास घूमती रहती हैं। और शुरू में जब मैंने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया, इन्वेड होता अटैक करना, दखल देना, तो उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे जो ये गिलहरी थी वो मेरे से फ्रेंडली बन गई और धीरे धीरे मैं इस गिलहरी के लिए खाना लाने लगा, केक के पीस लाने लगा, बिस्किट के पीस लाने लगा। और धीरे धीरे जो ये गिलहरी थी ये बोल्ड बन गई, कॉन्फिडेंट बन गई, अपने आप आने लगी और मेरे हाथ से खाने के निवाले लेने लगी। मॉर्सर होता है निवाला, मेरे हाथ से खाने के निवाले लेने लगी। और धीरे धीरे ये अपने आप जब इसका दिल करता था तो मेरे पॉकेट से खाना लेने लगी। अब ये गिलहरी इतनी ज़्यादा निडर हो चुकी है, मेरे से दोस्ताना हो चुकी है कि अपनी मर्जी से मेरे पॉकेट से खाना ले सकती हैं और ये यंग भी हैं और ये मेरी मित्र भी है। हो सकता है इस गिलहरी के परिवार वालों ने सोचा हो कि ये गिलहरी कितनी बेवकूफ़ है, ये कितनी जिद्दी है, हेड स्ट्रांग होता है, जो दूसरों का यकीन करता है, दूसरों को ट्रस्ट करता है। तो हो सकता है और गिलहरी सोचते हो कि ये गिलहरी कितनी बेवकूफ़ है, इसने ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्रस्ट किया है। क्योंकि बेटा जो ह्यूमन बींग है, जो आदमी है, हम लोग बहुत
बहुत ग्रीडी होते हैं और आसानी से हम ट्रस्ट खो देते हैं। जब कोई हम पे ट्रस्ट बनाता है तो हम उसके विश्वास को तोड़ देते हैं। कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, ट्रस्टवर्थी नहीं है। अब बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की, वसंत ऋतु की। और जो बनियन ट्री हैं, अब इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे लाल रंग के फिक्स लग रहे हैं। फिक्स होते हैं बर्ड, फिक्स सॉरी फ्रूट होता है। एंड काफ़ी सारी चिड़ियाँ आ रही हैं और ब्रांचेस में, टहनियों में बैठ रही हैं। अब इस वसंत ऋतु में यहाँ पे काफ़ी सारी चिड़ियाँ आ रही हैं, बुलबुल और पैरेट्स, मायना और कौवे, और ये आपस में स्क्वैबल कर रहे हैं। स्क्वैबल मीन्स फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और अभी जो बनियन ट्री हैं, ये बगीचे में सबसे नॉइजीएस्ट प्लेस बन चुका है, ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पे काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो आवाज़ें किसकी होंगी? इन चिड़ियों की होंगी, गिलहरियों की होंगी। हवा चलेगी तो पत्तों की आवाज़ें होंगी। अब इस पेड़ में मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है, छोटा सा एक एरिया बनाया है जहाँ मैं आराम से बैठ सकता हूँ जब ज़्यादा गर्मी होती है। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं इस पेड़ में ऊपर चढ़ता हूँ और जो मैंने जगह बना रखी है बैठने के लिए, वहाँ पे आराम से बैठता हूँ, कुशन भी लेके जाता हूँ। और वहाँ पे वो जो एरिया है पेड़ का, फिर वो एक लिविंग रूम का काम करता है। और वहाँ पे मैं खूब सारी किताबें पढ़ता हूँ, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटिल, ये सब अच्छी अच्छी बुक्स के नाम है जो कि ये ऑथर, ये जो चाइल्ड है, ये पढ़ता है पेड़ में। इसने एक ट्री हाउस बना रखा है, उसमें रह के आराम से ये एंजॉय करता है इन बुक्स को। और जब मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता तो मैं वहाँ पेड़ में आराम से बैठ के नीचे की दुनिया को देखता हूँ, आसपास की दुनिया को देखता हूँ। एक दिन जब मैं आसपास की दुनिया को देख रहा था पेड़ में ऊपर बैठे हुए, तो मेरे को एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। ग्रैंड स्टैंड होता है, एक साफ़ सुथरा दिलचस्प नज़ारा मुझे देखने को मिला। और वो नज़ारा था एक नेवला और एक कोबरा की फाइट। तो अब हम पढ़ेंगे नेवला और कोबरा की फाइट के बारे में। अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है, समर सीजन आ चुका है, हवा में बहुत गर्मी है, लू चल रही है। और इतनी लू चलने की वजह से जो माली है वो भी घर के अंदर है। मुझे खुद भी ड्राउजी फील हो रहा है, ड्राउजी होता है नींद आना, तो मुझे भी ड्राउजी फील हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तालाब में जाके अब नहाऊँ, या मैं रामू के साथ जाके नहाऊँ, या मैं बैफलोस के साथ जाके नहाऊँ। जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, अचानक एक काले रंग का बड़ा सा कोबरा, वहाँ आसपास कैक्टस था काफ़ी सारा, उस कैक्टस से ग्लाइड हुआ, ग्लाइड का मतलब है रेंगते हुए आगे गया। और एट द सेम टाइम, और उसी समय एक मंगूस, एक नेवला भी वहाँ झाड़ियों से निकला और एकदम कोबरा के तरफ वो जाने लगा। तो कोबरा, काले रंग का जो कोबरा है, वो कैक्टस की झाड़ियों से निकला, और जो मंगूस है नेवला है, वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी वहाँ से नेवला आया और कोबरा के तरफ उसने अटैक किया। अब ये जो बनियन ट्री है, इसकी शेड के नीचे, छाया के नीचे वो दोनों आए और फेस टू फेस हो गए, एक दूसरे का आमने सामने वो आके खड़ा हो गया। अब जो कोबरा था उसको अच्छे ढंग से पता था कि ये मंगूस जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो ये मंगूस हैं ये 3 फीट लंबे होते हैं और बहुत फैंटास्टिक, बहुत मार्वलस फाइटर होते हैं, और बहुत क्लेवर भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। एग्रेसिव का मतलब गुस्से से भरा हुआ। तो ये जो नेवले होते हैं ये गुस्सैले होते हैं, लेकिन जो कोबरा है ये भी स्किलफुल है, इसके पास भी कला है, ये भी निपुण है फाइट करने में, और ये एक्सपीरियंस फाइटर है। अब वो धीरे धीरे जो है कोबरा वो स्विफ्टली आगे मुड़ा और स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड लाइट की स्पीड के जैसे एकदम से आगे गया, और वहाँ जाके उसने अपने फैंग्स, मतलब नुकीले दांत दिखाए। जो ये उसके फैंग्स होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, इनमें बहुत सारा पॉइजन होता है। और ऐसे लग रहा था कि ये जो लड़ाई, अब ऐसा लग रहा था ये जो फाइट है, ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है, ये योद्धाओं के बीच हो रही है, ये चैंपियंस के बीच हो रही है। अब यहाँ पे चैंपियंस कौन है? स्नेक और मंगूस, द कोबरा एंड द मंगूस यहाँ पे चैंपियंस हैं, जिसके बीच में अब हमें ये बहुत मस्त वाली फाइट देखने को मिलेगी। अब ये जो कोबरा है ये हिसिंग आवाज़ करते हुए, डिफेंस होता है अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाते हुए अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए एकदम से ये आया, और कोबरा ने अपना फन उठाया और ग्राउंड से ये 3 से लेके 6 फीट ऊंचा ये हो गया। और फिर इसने अपना हुड जो होता है, फन,
हुड मीन्स फन, अपना फन उठाया और मंगूस भी अब लड़ाई के लिए तैयार है और मंगूस ने भी अपनी पूंछ उठाई और उसकी जो पूंछ के बाल हैं वो एकदम से खड़े हो गए। अब ये जो कॉम्बैटेंट्स हैं, कॉम्बैटेंट्स होता है ये, हमने ये जो फाइटर्स हैं दोनों के दोनों, ये जो चैंपियंस हैं दोनों के दोनों, कोबरा एंड मंगूस, उनके लिए हमने यहाँ पे कॉम्बैटेंट्स वर्ड यूज़ किया है। सो कॉम्बैटेंट्स होता है प्रतियोगी, है ना, प्रतिभागी, प्रतियोगी जो दोनों हैं। अब इन्हें नहीं पता कि पेड़ में कौन देख रहा है, इसके आसपास कौन है। एकदम से अचानक दो और स्पेक्टेटर्स आए, दो और दर्शक आए, एक थी मायना और एक था कौवा। वो लोग भी वहाँ पे आए और वो भी इस लड़ाई को देखने के लिए रेडी थे और वो भी जाके कैक्टस में बैठ गए और देखना चाहते थे कि नेवला और कोबरा की लड़ाई का क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या परिणाम होगा। अब वो हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। अगर वो दोनों केवल लड़ाई को देखते तो शायद उनके साथ ठीक होता, लेकिन वो लड़ाई को देखना चाहते थे, उसके साथ साथ वो लड़ाई में हिस्सा भी लेना चाहते थे। अब जो कोबरा है वो अपने आप को बचाते हुए एकदम से खड़ा हो गया और साइड टू साइड मूव कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है मंगूस को मेसमराइज करने की। मेसमराइज होता है मंत्रमुग्ध करना, ठीक है ना, तो मैस्मराइज करने की वो कोशिश कर रहा है मंगूस को और झूठे अटैक बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मंगूस बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रतिद्वंदी को पहचानता है, अपोनेंट होता है प्रतिद्वंदी, अपने प्रतिद्वंदी को पहचानता है और उसने उसकी आंखों के, कोबरा की आंखों को नहीं देखा क्योंकि उसको पता है कि कोबरा की आंखों में देखेगा तो ये मैस्मराइज हो जाएगा, ये उसकी बातों में आ जाएगा। तो उसने अपनी जो नज़र है, नेवले ने अपनी नज़र को कोबरा के हुड, कोबरा के फन पे रखी है, वो कोबरा की आंखों में नहीं देख रहा है, कोबरा के फन को देख रहा है और उसको अटैक करना चाहता है। अब वो कोबरा के पास पास गया और जैसे ही वो कोबरा के पास पहुंचा तो उसने एक ऐसा दाव खेला जो कि झूठा था, उसने एक झूठा दाव खेला, वो जा किसी और तरफ रहा है और अटैक किसी और तरफ करना चाहता है। उसी समय कोबरा ने उसको काटने की कोशिश की और एकदम जल्दी से जो कोबरा है वो अपना फन नीचे लेके आया, लेकिन मंगूस अपने आप को, अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी एक्टिवनेस की वजह से अपने आप को वो बचा पाया और उसने दूसरी तरफ जंप किया। फिर एकदम से जो कोबरा है वो खड़ा हुआ, उसने अपना फन खड़ा किया, डार्टेड होता है एकदम से अपने आप को उठाना जमीन से या किनारे होना, और उसने कोशिश की, जो नेवला है वो कोशिश कर रहा है सांप को काटने की और सांप को काटने की कोशिश कर रहा है और एकदम से पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, कोबरा के चुंगल से बचने की कोशिश कर रहा है। डार्टिंग अवे होता है एकदम से वापस जाना, एकदम से चुंगल से बचने की कोशिश करना। अब उसी समय जो कोबरा है वो कौवे को और मायना को भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है, हर्ल्ड होता है जल्दी से उनको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो अटैक था वो नाकाम रहा और हवा में ही वो अटैक कर पाया। अब जो ये हैं मायना और जो ये क्रो हैं, ये दोनों आपस में टकराए, ये कोबरा पे अटैक करना चाह रहे थे लेकिन ये दोनों आपस में टकरा गए और दोनों एक दूसरे के ऊपर, कौवा और मायना एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं और अब ये दोनों भी कोबरा को मारना चाहते हैं, उसको इंज्योर करना चाहते हैं। अब जो कोबरा है उसके उसके बदन में खून की बूंदें चमक रही हैं। अब जो कोबरा है इसने दोबारा अटैक करने की कोशिश की लेकिन उसका जो निशाना था वो नाकाम रहा और जो मंगूस है वो एकदम से उछलकर वहाँ से दूसरे साइड चला गया और जो बर्ड्स हैं वो दोबारा स्नेक कोबरा के ऊपर अटैक कर रहे हैं लेकिन दोबारा वो दोनों आपस में टकराए और चिल्लाते हुए वापस कैक्टस में जाके बैठ गए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मंगूस और नेवला आपस में फाइट कर रहे हैं लेकिन मायना और कौवा जो है वो भी कोबरा को मारना चाहते हैं, वो भी उसको हराना चाहते हैं लेकिन वो अपने प्रयास में नाकामयाब रह रहे हैं और कौवा और मायना आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं।
अब इनका थर्ड राउंड है और कोई हार नहीं रहा है, दोनों में पावर है, नेवला और सांप अभी दोनों में पावर है। और जो क्रो और मायना है वो भी अभी भी वो इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, और इसके साथ उन्होंने दोबारा कोबरा पे अटैक किया। लेकिन इस बार उन लोगों में से क्या हुआ, इस बार जो है मायना एकदम से उड़ी और जाके कैक्टस में बैठ गई, लेकिन बेचारा जो कौवा था उसने कोशिश की वापस आने की, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया। और जो कोबरा है उसने कौवे को अटैक किया और कौवा फड़फड़ाते हुए दूर जाके कौवे की जो बॉडी है वो ज़मीन में गिर गई। तो स्नाउट होता है माउथ वाला एरिया, द हिज स्नाउट थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। जो कोबरा है उसने अपना माउथ वाला एरिया से जोर से क्रो को मारा और जो क्रो है वो फड़फड़ाता हुआ दूर जाके गिर गया। सो मैंने देखा कि जो कौवा है वो 20 फीट दूर जाके फिर गिरा है, और वहाँ पे उसने फ्लटर किया, फ्लटर होता फड़फड़ाना, थोड़ी देर उसने फ्लटर किया और उसके बाद वो मर गया। देन ले स्टिल मतलब डेड, फिर वो मर गया। जो मायना है वो चुपके से जाके कैक्टस प्लांट पे बैठ गई और वो देखना चाह रही है कि नेवला और कोबरा में अब कौन आगे जीतेगा, लेकिन बेचारा कौवा अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो मर चुका है। अब जो कोबरा है और मंगूस है वो वापस दोबारा लड़ाई में स्टार्ट हो गया, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं और वाइसली चतुराई के साथ एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब जो कोबरा है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन जो मंगूस है उससे कोई डर नहीं है और निडर होके वो बार बार कोबरा को अटैक कर रहा है, और उसके बाद अपनी जो उसकी पूँछ है उस पूँछ की मदद से भी वो स्नेक को कोबरा को फाइट कर रहा है, कोबरा को अटैक कर रहा है। और उसके बाद उसने कोबरा ने अपने स्नाउट से सॉरी मंगूस ने अपने स्नाउट का मतलब माउथ वाला एरिया, तो अपने माउथ वाले एरिया से उसने स्नेक को हर्ट करने की कोशिश की। अब जो ये कोबरा है ये आपस में खुद ही डर चुका है, अब ये बहुत डर रहा है और डरते हुए इसने अपने आप को क्वाइल किया, आपस में ये मुड़ चुका है। लेकिन जो मंगूस है उसने क्या किया, जब उसने देखा अब जो ये मंगूस है ये बहुत ज़्यादा सीरियसली है और इसको लग रहा है कि जो अब ये स्नेक है अब ये ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा, अब इसका जो स्ट्रगल है ये समाप्त होने वाला है। तो जब अब नेवले को लगा कि जो ये स्नेक है ये कमज़ोर हो चुका है, अब ये स्ट्रगल नहीं कर सकता, तो नेवले ने कोबरा को जंप किया, उसको पकड़ा और ड्रैग करते हुए घसीटते हुए झाड़ियों के अंदर लेके गया। अब जो मायना है वो एकदम से आई और वो हॉपिंग कर रही है, हॉपिंग होता उछलना, और उसने झाड़ियों के अंदर देखा, पीयर का मतलब झांकना, झाड़ियों के अंदर देखा और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी जिस प्रकार की वो नेवला को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रही हो। तो अंत में बच्चों हमें पता चला कि नेवला की जीत होती है और नेवला कोबरा को मारने में सक्षम होता है, और इसकी खुशी मायना मना रही हैं, जोर जोर से चिल्ला रही हैं। तो ये ब्यूटीफुल स्टोरी जो थी स्टूडेंट्स, ये रस्किन बॉन्ड ने हमें सुनाई है, और आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है द बनियन ट्री बहुत समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।